और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। किसानों के समर्थन में कांग्रेस के कई जिलों में महापंचायत की जा रही है। कांग्रेस लगातार महापंचायत कर रही है किसानों के समर्थन में। और बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट किसान महापंचायत कर रहे हैं। उधर जयपुर के कोट खावदा में शुक्रवार को हुई किसान महापंचायत से एक बार फिर से ये साफ हो गया कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट का टकराव खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। दरअसल महापंचायत में सचिन पायलट ने 16 विधायकों को मंच पर बिठाया, भारी भीड़ जुटाकर कांग्रेस हाईकमान को जमीन पर अपनी पकड़ और ताकत का एहसास कराया। और इस कार्यक्रम में अशोक गहलोत, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह गहलोत, खेमे के कई नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। बताया गया कि जयपुर में ही दोपहर 12 बजे सीएम का अपना कार्यक्रम था, इसलिए वो नहीं आए। तो किसानों का एक तरफ तो प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार किसानों के समर्थन में नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से लगातार महापंचायत की जा रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पूर्व डिप्टी सीएम लगातार महापंचायत कर रहे हैं। हाल ही की अगर बात करें राजस्थान की तो आपको बता दें कि जयपुर के कोट खावदा में शुक्रवार को हुई किसान महापंचायत में एक बार फिर से ये साफ हो गया कि राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट का टकराव अभी खत्म नहीं हुआ और अभी बहुत कुछ बाकी है। महापंचायत में सचिन पायलट ने 16 विधायकों को मंच पर बिठाया और भारी भीड़ जुटाकर कांग्रेस हाईकमान को जमीन पर अपनी पकड़ और ताकत का एहसास कराया। इस कार्यक्रम में अशोक गहलोत, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह और गहलोत, खेमे के कई नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में कोई नहीं पहुंचा। और बताया गया कि जयपुर में ही दोपहर 12 बजे सीएम का अपना एक कार्यक्रम था, इसलिए सीएम कार्यक्रम में मौजूद नहीं हुए। इस मुद्दे पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी नेता उमेद सिंह जुड़ गए हैं। उमेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। उमेश जी, आपसे सवाल है, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी लगातार महापंचायत कर रही है किसानों को लेकर, किसानों के समर्थन में। अगर हाल ही की अगर बात करें जयपुर में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने महापंचायत की थी किसानों को लेकर, लेकिन इसी तरफ जब ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत ही नहीं पहुंचे, आपको क्या लगता है इस पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या अभी भी इनका जो इनके आपस में जो टकराव हो रहा है वो खत्म नहीं हो रहा है? इनका देखिए, कांग्रेस राजस्थान में आपस में लड़ रहे हैं, अभी देखिए जूतम बाजार आपस में किए, धक्का मुक्की किए हैं और एक डिप्टी सीएम रहे, कांग्रेस के सहयोगी हैं, कांग्रेस पार्टी में यही नहीं दूसरी पीढ़ी है। इनके फादर जो है सचिन पायलट के, श्री राजेश पायलट साहब केंद्र मंत्री रहे हैं और ऐसे ऐसे इस तरह से कांग्रेस में इतना योगदान रहा इस परिवार का, उनको धक्का दे करके मंच से धक्का दिया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये आपस में लड़ रहे हैं, वही नहीं, आप जहां भी देखते हैं मीटिंग इनकी होती है, मैं देखता हूं कि अक्सर जो है आपस में ही लड़ाई करके और वो कुर्सियां पटकना शुरू होता है। तो इनकी अपनी अंतरिम लड़ाई है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। रही बात किसानों की, किसान जो है उनको इसी तरह से इन्हीं लोगों ने गुमराह किया था, ये शुरू से ही हुआ है और शुरू से कह रहे हैं और वो धीरे धीरे सत्ता की ओर आ रहा है, जो पूरा देश इसको अब धीरे धीरे जानने लगा है, देख रहा है। आज जो है आज किसान कार्यक्रम जो है उनका करीब 25% रह गया है, 75% हट गया है। आज पूरे देश में 30 प्रदेशों में से आज 100 प्रदेश के लोग लगे थे, उसमें से भी 75-80% लोग हट गए हैं, 20% लोग लगे हैं, वो वही लगे हैं जिनको खेती किसानी करने से कोई मतलब नहीं है और वो लोगों के पास अपना टाइम है, वो लोग अपना एक राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो कांग्रेस अपना लड़े, इनको जो वो करना हो वो करें। किसानों से आज भी अनुरोध है, पहले भी था, आगे भी यही है कि इसको देखें, ये बिल जो है ये किसानों के देश के हित में है, बहुत सोच समझ के लाया गया है, इससे फायदा होना है, इसको किसी के बहकावे में ना आए भविष्यवाणी सुन करके कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको देखें, उस पर विश्वास रखें, पूरा भरोसा रखें भाजपा सरकार के ऊपर, माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के ऊपर, इसमें जो है इसके ऊपर भरोसा रखें और उसका उसका रिजल्ट देखें, ये अच्छा रिजल्ट आएगा। जी उमेश जी, आपने तो एक तरीके से कह दिया कि इनके जो टकराव है वो मेरा हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दूसरी बात किसानों की अगर बात करें, किसानों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जो सरकार लगातार किसानों को जो प्रदर्शन को खींचने की कोशिश की जा रही है और कृषि कानून है वो रद्द नहीं कर रही, जब इनके हित में नहीं है तो क्यों उनको गुमराह किया जा रहा है? देखिए, वो उनका 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 जो मर्जी, वो कुछ भी कह सकते हैं। हम केवल और हमारी सरकार पूरी तरह से फर्स्ट दिन से लगातार किसानों के साथ है, किसानों के साथ बैठक कर रही, किसानों के साथ को बराबर बुलावा दे रही है, बराबर वार्तालाप चला है, कई बिंदुओं पे सुधार किया गया बहुत सारी चीजों का, और इसके बारे में कि वापस क्यों लिया जाए इसके बारे में भी पूछा जाता है। अभी तक उसका प्रतिनिधिमंडल किसानों का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि वो केवल ये कहते हैं बाहर निकलने पे कि ये इसको मान नहीं कैंसिल कर रद्द कर दिया जाए। जब कानून रद्द कर दिया जाएगा तो बनाया किस लिए गया था? आज 50-70 सालों से चल किस लिए कैसे रहा था? आज उसको सुधार करने के लिए ही कानून लाया जाता है। सरकार बदलती है, सबकी सोच बदलती है, और आज आज पूरे देश के लोगों ने किसानों सहित आज देश के गद्दी पे बैठाए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो इस विश्वास के साथ कि कुछ बदलाव करेंगे, कुछ किसानों के लिए करेंगे। जैसा आज यूरिया कोटिंग पे हुआ, आज जैसे 6000 का मदद मिल रही है, आज जैसे बहुत सारे उज्ज्वला योजना है, बहुत सारी योजना आई है, आज कश्मीर को विदेश मुद्दे पे देखिए कितनी बड़ी बड़ी कामयाबी मिली है, तो आज देश आगे बढ़ रहा है और काफी अच्छी तरह से चल रहा है, तो लोगों को भरोसा है, 90% लोगों को भरोसा है, 5-10% लोग इसको जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं कि ऐसा हो जाएगा, हो नहीं जाएगा। आप उसको देखिए, जो होता रहा 70 साल में वो देख चुके हो, जो 7 साल में शुरुआत हुआ है उस पर भी भरोसा रखिए, पूरा देश भरोसा कर रहा है, तो पूरे देश के साथ 90% लोगों को भी रहना चाहिए। जी चलिए, हमारे एक और खास मेहमान रामपाल जाट किसान नेता जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। तो सर आपसे यही सवाल है, आपकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, हर दूसरे दिन नई रणनीति के साथ आप तैयार हो रहे हैं, बात करें बंगाल को लेकर तो बंगाल को लेकर भी कहा जा रहा है कि महापंचायत की जाएगी, तो इसको लेकर आप कितने तैयार है और कैसे जाएंगे वहां पे? बंगाल के रास्ते सबको जानकारी में, इसलिए बंगाल में चुनाव है, हम चाहेंगे सब कि वहाँ सबक सिखाने का काम किया जाए, अच्छा हो, सरकार किसानों की बात मान ले, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बना दे, जिससे किसानों को उनकी उपजों को वह दाम तो मिल सके जिसे सरकार न्यूनतम कहती है, और सरकार उन न्यूनतम को भी स्वयं घोषित करती है, यदि वो भी सरकार नहीं दे तो पीड़ा है ना जी। और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं न्यूनतम समर्थन था, है, रहेगा, ये कटे पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं जी। हम ये तो कह रहे हैं भाई समर्थन था, है, रहेगा, तो फिर हमको हमारी उपज कम दामों में क्यों बेचनी पड़ रही है? धान हमको 1868 रुपए जो मिलने चाहिए उसमें किसी को 600, किसी को 800, किसी को 1000, यही क्यों मिल रहे हैं? बाजरा राजस्थान में पैदा हुआ 1100, 1200, 1300 प्रति क्विंटल बेचना पड़ा, न्यूनतम समर्थन 2150 रुपए, तो ये 1000 रुपए तक का घाटा क्यों? यही स्थिति मक्का की है, मक्का का न्यूनतम समर्थन 1850 और किसानों को मक्का के दाम मिल रहे हैं 700, 800, 1000, तो ये 1000 रुपए से ज्यादा का घाटा क्यों? तो यही तो हमारी पीड़ा है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी पीड़ा को समझ नहीं रहे, तो किसानों की पीड़ा को उनको समझना चाहिए, किसानों की पीड़ा को व्यक्त करना चाहिए, किसानों की पीड़ा को सही करने के लिए उनको उपाय करना चाहिए, वो तो नहीं कर रहे, उल्टा केवल था ना टोंटबाजी, व्यंग कसना, कटाक्ष करना, ये जो स्थिति है ये सरकार की स्थिति नहीं होती। तो जो भी जन कल्याणकारी सरकार है उसको तो चाहिए तो जन कल्याण के लिए काम करें, और ये लगातार करें, बातचीत मत करो ना भाई। जब आप 5 जून 2020 को कानून लेकर आए थे, इससे बातचीत की थी आपने, तो आप बिना बातचीत ले आए ना, तो अभी बिना बातचीत के ले आओ ना न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद की गारंटी का कानून। उमेश जी कौन रोक रहा है आपको? उमेश जी आप जवाब दीजिए, रामपाल जी कह रहे हैं कि जब ये लागू किया गया था, कृषि कानून आया था, तो हमसे कोई बातचीत नहीं की गई, जब हमारे हित में नहीं है तो हमें नहीं चाहिए, क्यों हमको ऐसे लगातार आंदोलन करवाया जा रहा है जबरदस्ती?
देखिए रामपाल जी किसान नेता हैं और बहुत अच्छे बहुत सूझबूझ के नेता हैं, ये इतना तो सबको पता है कि ये वार्तालाप पार्लियामेंट में होता है जी। और पार्लियामेंट में कौन बनाता है, वो जनता बनाती है, जनता से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं पार्लियामेंट में जो डिसीजन लेते हैं। तो आज वहां पे पैसे तो वो हुआ है, वार्तालाप हुआ, पार्लियामेंट में रखा गया, पार्लियामेंट से बातें हुई, उसके साथ ही रहे काफी लोग, कुछ पार्टियां बाहर निकली है राजनीतिक कारण से, बाद में वो विरोध करना शुरू किए, उसके बाद इसकी जो है राजनीतिक अमला जामा पहना दिया गया। आज जो है आज किस तरह की कोई भी चीज के बारे में अगर कहते हैं कि वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि ये रहेगा और है रहेगा और चलेगा, तो वो को एक विश्वास है, उनको एक भरोसा है, क्योंकि इतनी मेहनत से और इस तरह से 50-60 सालों की दुर्दशा को देख करके किसानों के ऊपर पूरी पूरी प्लानिंग से किया गया है और पूरा भरोसा है कि निश्चित है कि लागू होने के बाद पूरा देश इसका स्वागत करेगा। आज भी आप रेट पे देखिए कि किस तरह से हमारा दूने रेट पे चल रहा है किसानों का, और वो खरीद भी हो रहा है। आज उसको पढ़ें, पेपर पढ़ें, न्यूज देखें, वो सब जरूरी है। ये केवल कह देना कि कोई रूल न लागू किया जाए, कोई बदलाव नहीं आएगा तो हम उसी तरह पड़े रहेंगे जैसे 70 साल पहले पड़े थे, तो हम 70 साल पहले की जगह पे तो नहीं पड़े रह सकते ना। ये सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे काम करने वाले हैं, ये सोने वाले नहीं हैं, मुंह बंद करके बैठने वाले नहीं हैं, ये देश हित में गरीबों के लिए जनता के लिए काम करने वाले हैं। इनको इसीलिए जनता ने चुन के बैठाया है, इसीलिए भरोसा रखा है, तो वो काम कर रहे हैं, उस पर भरोसा रखना चाहिए और थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए कि अगर कुछ कर रहे हैं सरकार से एक अच्छे के लिए किसानों के और जनता के हित में के लिए कर रही है। जी रामपाल जी, उमेश जी कह रहे हैं कि भरोसा रखिए, प्रधानमंत्री हैं, वो देश के, वो जो भी डिसीजन लेंगे वो सोच समझ के लेंगे और किसानों के हित में लेंगे। करिश्मा भारद्वाज जी, हम भी चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री सोच समझ कर डिसीजन दे, हम कब करेंगे बिना सोचे समझे ले, इसलिए सोच समझ कर ले। लेकिन इसको तो ये 5 जून को कानून आए थे, 14 जून को हमने पहला पत्र लिख दिया, 21 जुलाई को दूसरा पत्र लिख दिया, 17 सितंबर को कृषि मंत्री से वार्ता शुरू हो गई और लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो कितना समय लगेगा सोचने समझने में? यदि ये प्रधानमंत्री जी और बता दे तो सबको अच्छा रहेगा ना पूरे देश को, तो भाई उनको इतना समय चाहिए सोचने समझने के लिए, तो सोचने समझने की अवधि कितनी, तो जितनी अवधि वो बता दे उतने समय सोच लेंगे। चलो ये माननीय प्रधानमंत्री जी, रामपाल जी आपसे एक सवाल हो रहा है, लगातार विपक्ष, वैसे तो सभी देश, पूरा देश है किसानों के समर्थन में है, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार आपके समर्थन में महापंचायत की जा रही राजस्थान में, क्या लगता है कि विपक्ष, कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस आपके समर्थन में है या अभी भी वो राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है किसानों की आड़ में? करिश्मा भारद्वाज, जहां कांग्रेस की सरकार है वे भी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून नहीं बना रही, जबकि उन प्रदेशों में कृषि उपज मंडी अधिनियम में लिखा हुआ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में किसी भी फसल का क्रय विक्रय नहीं होगा, तो अभी वहां जो शब्द है मायनों ने लगा दिया अंग्रेजी का MA/May, तो मे का शब्द होता है वहां उसका ऑप्शन हो गया, इस शब्द को जरूरत है SSALL शेयर करने की, तो मैं शब्द को शेल कर दो नहीं सरकार है, तो यदि शेल कर देगी तो उससे कम कीमत किसान को मिलेगी नहीं, तो ये भी तो नहीं कर रही, तो इसलिए राजनीति तो कर रहे हैं ये, है ना, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं राजनीति करें। तो रामपाल जी आपका साफ तौर पे ये कहना है कि विपक्ष पार्टी कांग्रेस की बात कर रहे हैं हम, कांग्रेस आपके समर्थन में नहीं है, बस वो राजनीति रोटियां सेक रही है, इसलिए वो राजनीति रोटी भी सेक ले, काम भी तो करते जाए, तो बिना काम किए। और एक हमने एक बात और कही है कांग्रेस से कि आप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव पास करो कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने के लिए कृषि उपज मंडी अधिनियमों में संशोधन करेंगे, तो ये तो इनकी परवी में ही है, राज्य का विषय है और राज्य का ही कानून है, तो राज्य के कानून में ही ये संशोधन कर देना है, मान को क्या दोहरा रहा है, इसलिए करना ये भी नहीं चाहते। अभी देश में निंदा आधारित राजनीति में सबको रस आता है, आनंद आता है, लेकिन जब हम खुद का करने का नंबर आता है तो वो नहीं कर पाते, इसलिए अब तो चाहेंगे चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो कोई सी भी पार्टी हो, अरे भाई आप किसान को पहले नंबर पर रखो ना, और किसान की दूसरी बात उसको मानो ना,
और इसके लिए कानून बनाओ ना, दोनों कानून बनाते हो, तो दोनों पार्टी से मेरा तो कहना है ये मिलके बना दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। कई बार मिलते भी तो है आपस में, ये जब इनके वेतन भत्ते बढ़ते हैं तो सब ध्वनि मत से पारित करते हैं ना ये कानूनों को, तो ऐसे ही ध्वनि मत से इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर क्यों नहीं कानून बना दे। तो जहाँ कांग्रेस की सरकार है राज्यों में वहाँ ये अपना कानून ले आए, जहाँ बीजेपी की सरकार है वो कानून ले आए, एक दूसरे का समर्थन कर दे, किसने मना किया इनको? लेकिन करना दोनों ही नहीं चाहते, एक दूसरे को नीचा दिखाना इसमें तो ये मास्टर है। तो निंदा आधारित राजनीति करने में तो इनका कोई बराबरी नहीं। लेकिन भाई तुम रैली कर रहे हो, अच्छी बात है रैली करो, लेकिन रैली के साथ साथ ये भी काम कर लो ना, कानून बना दो ना, तुम भी बनाओ जी। चलिए रामपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हम चर्चा के लिए। तो उमेश जी, तो जिस तरीके से रामपाल जी ने कहा कि हमें कोई लेना देना नहीं है, पार्टियां चाहे कुछ भी करे, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे का समर्थन देते हैं तो वो हमारा समर्थन है। कृषि कानून को दोनों तरफ से लागू कर दिया जाए, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं ठीक है, तो ये तो मानना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। आज किसान भी, आज बच्चा भी समझ गया है, और एक छोटा सा बड़ा एकदम सिंपल सा आज जवाब आने लगा है कि गांव से छोटे छोटे कस्बों से किसान कहता है भैया कि जब हमको हमारे पास एक बंधुआ मजदूर की तरह मैं था और पचासों साल से मुझे एक केंद्र बिंदु बना दिया जाता था, जबरदस्ती मेरा गल्ला भी ले लेते थे, मेरा पैसा भी नहीं देते थे, चेक पकड़ा देते थे, बाउंस भी हो जाता था, तो हम लोग भूखे मरने के कगार पे रहते थे। आज हमको ओपन मार्केट दिया जा रहा है, उस चीज को खत्म तो नहीं किया जा रहा है, जो पहले था वो लागू है, लागू रहेगा, जो आज है उसको अलग से एक मार्केट में मिल रही है। किसानों को एक डर है, अब ये नहीं पता उनको किसने बहकाया है, किस क्या कुछ नहीं, पर लेकिन ये साफ तौर पे आपकी पार्टी भी नहीं कहा, मतलब समझा नहीं पा रही कि कृषि कानून में लाभ क्या है, क्योंकि किसानों को एक डर है कि मंडी खत्म हो जाएगी। नहीं, कभी नहीं, ना मंडी खत्म होगी और उनको एक अलग से एक उनको ओपन मार्केट मिलेगी, ये एक को सब समझ गए हैं। अब ये तो उमेश जी, सक्षम क्यों नहीं है आपकी पार्टी समझाने में किसानों को, कहां ऐसे चूक हो रही है जो समझ नहीं पा रहे हैं किसान? देखिए, किसान ने मैं बताया कि आज 80% 85% लोग बाहर नहीं निकल रहे, इसका समर्थन कर रहे हैं। आज 5% 10% अगर 136 करोड़ 80 हजार किसान हैं, 136 करोड़ की आबादी में, 80 हजार करोड़ में अगर 80 लाख नहीं 80 हजार लोग केवल मार्केट में हो, तो आप परसेंटेज लगा लीजिए कि क्या कहा जाए। वो केवल राजनीतिक लोग जो है इसको समझने नहीं दे रहे हैं, बाकी जनता जो है किसान सब समझ रहा है, वो पूरी तरह से समर्थन में है, बोल रहा है गांव गांव में, गलियों गलियों में लोग कह रहे हैं कि मुझे जो मिल रहा था वो तो मिल रहा है और ज्यादा मिल रहा है, कोई सुविधा तो उसमें नुकसान क्या है। और यही चीज पूछा जाता है किसान की जो टीम आती है प्रतिनिधि मंडल, 11-12 बार बैठके हुआ, तो उसमें भी यही कहा गया कि आप ये समझा दो कि इसको वापस क्यों लेना है, क्या नुकसान है, तो नुकसान और क्यों वापस लेना है ये तो बता नहीं। चलिए उमेश जी, आपको ये तो पता ही होगा, किसान नेताओं ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया, अब उन्होंने कहा है कि अब आगे की जो रणनीति है महाराष्ट्र में और बंगाल में देखने को मिलेगी। बंगाल में जिस तरीके से अब आने वाले समय में जो चुनाव है, सीधा असर कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, साफ तौर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने बोला है। मैं मैडम आपसे हिमांशु जी बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, पूरा देश सुन रहा है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे आज पूरे देश से सबसे ज्यादा धान की पैदावार बंगाल में होता है और वहाँ से बहुत अच्छे किसानों की तादाद है बंगाल में। आज वहाँ पे लोग जा रहे हैं, चुनाव है सामने है, 2 महीने में सब रिजल्ट आ जाना है सामने। वहाँ पे भी आज देखें कि किस तरह का वहाँ का किसान, वहाँ की जनता भी भाजपा के साथ, जो कभी भाजपा कभी नहीं आई है बंगाल में, और आज देखिए अगर बंगाल वही पलट के भाजपा पे भरोसा करती है, माननीय नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा करती है, तो क्या विपक्ष इस्तीफा दे करके शांत होकर राजनीति छोड़ देगा? ये उनको करना चाहिए मेरी ख्याल में, इसी पे फैसला कर लें। यही देखें वहाँ इनका काम है, चुनाव हो रहा है तो राजनीतिक नहीं हुआ तो क्या हुआ, इनको राजनीति करना है तो वहाँ चले जाएं, जहाँ चुनाव हो वहाँ चले जाएं, लेकिन सही चीज का जवाब दें जिससे फैसला होगा, और फैसला केवल वार्तालाप से होगा, वार्तालाप करने पर तैयार नहीं है तो कोई चारा नहीं है, तो वो रहेगा है और चलता रहेगा, ये सही है जी। चलिए इस मुद्दे पर हम चर्चा के लिए हमारे एक और खास मेहमान कांग्रेस नेता रत्नाकर सिंह जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। धन्यवाद।
तो सर राजस्थान में लगातार कांग्रेस अब महापंचायत कर रही है किसानों को लेकर, किसान महापंचायत की जा रही है। अगर बात करें सचिन पायलट की और साथ ही अशोक गहलोत की, क्या लगता है इनमें अभी भी टकराव देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से कल जो तस्वीर देखने को मिल रही है, जयपुर में महापंचायत की गई थी, उसमें पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट भी नजर आए थे, लेकिन उसमें अगर अशोक गहलोत की बात करें CM की, तो वहां पर वो भी मौजूद नहीं थे। देखिए मैं आपको बस क्लियर अभी बताना चाहता हूँ कि अभी कोई भी चरखा मनमुटाव नहीं रहा है। हर हर नेता अपना अपना काम कर रहा है। उनका जहाँ पे इस स्तर में दो स्तर है, तो सबसे किसानों का समर्थन कर रहा है और काले कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो राजनीति अटकलें जो है लगाना अलग चीज है, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि आज जो किसान परेशान है पूरे देश में और किसानों की मांगों को नहीं सुनने का काम जो मोदी सरकार कर रही है। सर कहीं ना कहीं ये संदेश, जो तस्वीरें जो देखने को मिल रही है राजस्थान में महापंचायत की जा रही है किसानों को लेकर, साथ ही BJP भी तंज कस रही है, आरोप लगा रही है, जब एक तरफ तो किसानों को लेकर समर्थन में है लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं की पार्टी में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो लोगों को क्या संदेश दिया जाएगा? अगर कोई नहीं है वहाँ पे तो ये अटकलें लगना कि मनमुटाव है, ये भी नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति हर अपना अपना उसका एक जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को निभाता है, चाहे वह ये किसान पंचायत तो पूरे देश में चल रहा है। अभी किसान जो है बंगाल भी जाने वाले हैं, तो वहाँ पे अगर कोई नेता हमारा पहुँचता है, दूसरा नेता नहीं पहुँचता है, इसीलिए राजनीति लगाना कि उनके बीच में मनमुटाव है, ये ठीक नहीं है। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, पार्टी को मजबूत बनाने का काम कर रहा है और किसान के साथ खड़ा है, किसानों की आवाज को बुलंद कर रहा है। क्या लगता है महापंचायत की जा रही है आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से क्या सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है, क्या समझाया जा सकता है सरकार को कि हम सब एक साथ हैं? बिल्कुल, देखिए किसान जो है हमारे अन्नदाता है या देश की रीढ़ की हड्डी है। 62 करोड़ किसान के हक के लिए अगर हम आज नहीं खड़े होंगे तो आने वाले जो जनरेशन है, आने वाली जो नस्लें हैं, वो कहेंगे कि हमारे जो पूर्वजों ने विरोध नहीं किया, जिसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कल को बेहतर बनाने के लिए आज हमको आवाज बुलंद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस काले कानून में जो मोदी सरकार ने जिन काले कानून जो लाए हैं और MSP पे जो कानूनी गारंटी नहीं दे रहे हैं, इसका खामियाजा आगे आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए कल जो हमारा बेहतर हो उसके लिए आज आवाज उठाना बहुत जरूरी है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए आवाज उठाती रहेगी हर स्तर से, हर लेवल से। उमेश जी, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि ये काले कानून है उसको रद्द किया जाए, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है उनको नुकसान होगा, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? रत्नाकर जी बहुत ही सूझबूझ के नेता हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि ये ध्यान दें कि इसमें काला है क्या, इसको एक नहीं 1000 बार पूछा गया है, वो खुद न बता सके तो कम से कम किसानों से बता दें, जिनको ये लोग इस तरह से आगे बढ़ा करके और पीछे हो जाते हैं, तो उनको कम से कम समझा दें कि वो ना ही परेशान हो। आज कितने किसान जो है इसमें जान चली गई है, कम से कम इस तरह की रोटी न सेकें, उनको बताएं कि इसमें काला है क्या, काला है उसको बता दे। आज उनकी बैठक कोई बता दिए होते अच्छा होता कि अगर काला निकल के आता कुछ तो उससे कोई ना कोई कंप्रोमाइज होता, इसको बार बार कृषि मंत्री। उमेश जी, परेशान विपक्ष पार्टी नहीं है, उनको तो पता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन परेशान आम जनता है, किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान है वहाँ पे, वो परेशान है। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल किसानों का पूरा सम्मान है, अगर किसान है सही तो किसान अपना खेती कर रहे हैं और उनको एक अच्छा फायदा मिला है, उसके लिए वो धन्यवाद दे रहे हैं सरकार को। सर वो फायदा, चलिए वो आप ये कह रहे हैं एक तरफ कि वो फायदा मिल रहा है, सर किसान भी कई खुश भी है, लेकिन लाखों हजारों तादाद में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कुछ किसानों को जोड़कर आप अपनी बातचीत रख रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ जो हजारों किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं और कई किसान तो मर भी चुके हैं, ये आपको भी पता है प्रदर्शन के दौरान। बहुत दुख है, ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही जो है शर्मनाक है, जिस तरह से किसानों को किस तरह से इस ठंडी में और उस दिसंबर के महीने में लोग जो है इस तरह ठंड में खुले आसमान के नीचे रहे, ये बहुत ही दुखद रहा है।
कम से कम इसका जो है इसको सोच समझ के करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आज 2007 से आज तक का रिपोर्ट लें कि किस तरह से सरकार काम कर रही है इनके लिए, और सारे किसानों से एक ओपिनियन ले तो किसान बताएगा अगर हम 80 और करोड़ में से 8,000 लोग को लेकर के बैठ जाएं तो वो तो एक गलत चीज है। उसके लिए पूरे 80,000 लोगों को तो सजा नहीं दी जा सकती पूरे देश। रत्नाकर जी अभी हाल ही में हमें हमारे साथ रामपाल जाट किसान नेता जुड़े थे, उनसे यही सवाल पूछा था कि क्या लगता है कांग्रेस आपके साथ है। उन्होंने साफ तौर पे मना किया है कि हमको किसी का कोई साथ नहीं लेना, अच्छी बात है वो किसानों को लेकर महापंचायत कर रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है अगर वो हमारे साथ हैं तो बीजेपी और कांग्रेस साथ में मिलकर समर्थन में एक साथ हो जाए और जो कृषि कानून है उसको रद्द करवा दीजिए। कल का ही स्टेटमेंट में देख रहा था, राकेश सिंह जी ने ये कहा है कि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता हमारे साथ आ सकता है लेकिन हम उसको मंच पे जो है मंच शेयर नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है, यह जो है आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी नेता का तो है नहीं, यह आंदोलन जो है 62 करोड़ किसानों का है और किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीति नहीं है, इसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं निकाला जाए, चाहे आप समर्थन में आए या नहीं आए। यही हमारा एक एएनबी न्यूज ये भी अपील करता है कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी गुहार को सुनिए, राजनीति मत कीजिए। चलिए, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हम चर्चा के लिए, और इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।